गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आज का क्लास के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है? हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे मेरे भाई? हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या, नंबर ऑफ जीरो पे। नंबर ऑफ जीरो के सारा कॉन्सेप्ट आपको तो समझा दिया गया है, केवल बच रहा था क्या, तो प्रश्न उसके में क्या, हमारे एग्जामिनर कैसा प्रश्न पूछता है नंबर ऑफ जीरो से केवल कराना बच गया था। हम लोग क्या जाने थे मेरे भाई, अगर हमसे पूछेगा क्या, एक से अगर हमारा अगर सौ तक पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितने होंगे, एक से लेकर सौ तक नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितने होंगे, तो हम लोग क्या आंसर दिए थे मेरे भाई? इसमें देखना क्या रहता है कि दो के संख्या कितना है और पाँच के संख्या कितना है। क्या देखना रहता है मेरे भाई कि दो के संख्या कितना आता है और पाँच के संख्या कितना होता है, उसी अनुसार हमारा क्या बनता है, तो बोलिए कि सर जीरो बनता है। दो और पाँच मिलकर हमारा क्या बनता है मेरे भाई, जीरो बनता है। जैसे हम लोग क्या जाने थे कि अगर जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या दिए थे, अगर संख्या की हुआ है क्या, संख्या पे दिया हुआ है क्या, इसमें अगर पूछेगा कि इसका गुणनखंड का नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करें, नंबर ऑफ जीरो कितना है, इसका संख्या ज्ञात करें, तो क्या कर रहे थे मेरे भाई, अगर इसमें हम लोग देखते क्या, अगर दो के संख्या निकालते तो दो के संख्या निकालने में हमको बहुत बहुत ज्यादा दो के संख्या कितना ज्यादा आ जाता, क्या है दो के संख्या अगर निकाल के देखिएगा तो हमारा क्या, दो में भी दो आता है, चार में कितना आएगा, दो का दो आ जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो छः में एक दो दो आ जाएगा, फिर कितना हो जाता था, आठ में हो जाता है। अगर इसमें अगर हम देखेंगे मेरे भाई, अगर हम लोग पाँच की संख्या ढूंढेंगे, इसमें एक से लेकर दस तक हम क्या ढूंढेंगे, पाँच की संख्या अगर ढूंढेंगे तो क्या होता था मेरे भाई, कि पाँच की संख्या हमारा एक पाँच में आता था और एक आता था क्या दस में, पाँच गुने दस दस कितना होता है मेरे भाई, पाँच गुने दो होता था हमारा, इसमें कितना पाँच की संख्या कितना एक मिलता था, और फिर यहाँ पे पांच एक संख्या मिलता था, यहाँ से हमारा संख्या कितना पांच मिलता था, तो हमारा एक कितना हो, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना बनता था, बोलिए कि सर दो बनता था। पांच और दो मिलकर क्या बनता है मेरे भाई, पांच और दो मिलकर क्या हमारा जीरो का निर्माण करता है, क्या करता है मेरे भाई, पांच और दो मिलकर जीरो का निर्माण करता है, एक संख्या मेरे भाई। यहाँ पे अगर देखेंगे हमारा कितने क्या, जैसे में दिया रहेगा मेरे भाई दस के पावर एक, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई सीएचएसएल में, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3 गुने 10 की पावर 4, इसमें पूछेगा कि आपको कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करें, क्या है मेरे भाई 10 की पावर कितना है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 4 है, इसमें हमारा क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कहते हैं क्या ना मेरे भाई, इसमें देखते हैं क्या, अगर 10 को हम लोग अगर 10 को गुना करेंगे कितना, 10 से एक बार 10 की पावर 1 है तो हमारा कितना जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना है मेरे भाई 10 की पावर 3 है, तो अगर क्या करेंगे हम लोग 10 के कितना बार गुना करेंगे, 10 के हम लोग गुना करेंगे 3 बार, बोलिएगा सर कितना बार गुना होता है, तो 3 बार गुना होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, अगर यहाँ 10 के इसको में 0 देखेंगे मेरे भाई, तो 0 हमारा कितना आ रहा है, तो 0 बोलिएगा सर कितना, बोलिएगा सर 0 हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 10 से अगर क्यू करते तो 0 कितना आता है हमारा 3 आता है, तो बोलिएगा सर ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इतना करने की जरूरत हमको क्या है, यहाँ पे तो हमारा पावर में दिया हुआ है कि 10 के पावर 3 है, तो हमारा अगर 10 के पावर 4 करते हैं भाई, यहाँ पर अगर कितना 10 के पावर 4 करेंगे तो हम लोग कितना 10 के कितना बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे, तो यहाँ से अगर 0 देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, तो 0 आएगा हमारा कितना, यहाँ से बोलिएगा सर 4 0 निकल कर आएगा, कितना आएगा 4 0 निकल कर आएगा, अगर इसको काउंट करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे हमारा 0 की संख्या कितना हो गया, यहाँ पे हमारा जीरो की संख्या एक हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे जीरो की संख्या हमारा कितना हो गया मेरे भाई 8 आ गया। तो आप ऐसा नहीं करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं करके इसको आप क्या कर सकते मेरे भाई, इसको हटा लीजिए, इसको ऐसे नहीं करके आप यहाँ पे क्या करते थे, जिसका जितना जिसका पावर है ना मेरे भाई, केवल पावर को जोड़ दीजिए, क्या करते हैं 1+3+ इसको केवल पावर को जोड़ दीजिए, हमारा नंबर ऑफ जीरो निकल कर कितना जाएगा, नंबर ऑफ जीरो निकल कर हमारा कितना जाएगा 8 आ जाएगा, क्या इसको क्या करते हैं इसको पावर है। इसी तरह से अगर कितना भी दिया रहे 10 के पावर 100 हो रहा है, 10 के पावर 200 हो रहा है, कि कुछ भी रहे, तो उसको केवल क्या करेंगे मेरे भाई पावर को जोड़ देंगे, क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे, उससे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो बोलिए कि सर क्या निकल कर आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो निकल कर आ जाएगा। एक संख्या हम देते हैं मेरे भाई, एक संख्या देते हैं क्या, पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एक से लेकर संख्या कहाँ तक गया है, 103 तक गया है, तो यहाँ हमसे पूछेगा क्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करें, क्या था मेरे भाई, एक से लेकर गया इस सीरीज में, संख्या कैसा है सीरीज में है,
इसमें देखेंगे मेरे भाई, अगर हम लोग क्या देखे थे पिछले वाले क्लास में, पिछले अगर नहीं देखे होंगे पिछले वाले क्लास की वीडियो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप नंबर ऑफ जीरो का फर्स्ट क्लास देख सकते हैं मेरे भाई, फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा, पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा उसके बाद क्लास सेकंड क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, एक से लेकर हमारा संख्या कहाँ तक है 103 तक लाए, तो सीरीज में चल रहा संख्या, तो बोलिए कि सर हाँ सर सीरीज में यहाँ पे संख्या चल रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर एक से हम लोग 10 के अगर निकाले तो एक से लेकर 10 के हमारा 5 की संख्या निकाल के देखते हैं, और क्या देखते हैं 2 की संख्या निकाल के देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया मेरे भाई, 2 हमारा मान लिए क्या, कि 2 तो हमारा मेल मान लिए हैं, और हम लोग 5 के क्या मान लिए, तो बोलिए सर 5 को हम लोग क्या फीमेल मान लिए हैं, तो हम लोग अगर दोनों को शादी करना रहेगा मेरे भाई, तो जितना संख्या मेल के लेंगे उतना ही फीमेल को लेंगे, यहाँ तक सभी को क्लियर है, जितना हम लोग मेल के लेंगे उतना क्या लेंगे मेरे भाई, फीमेल को उतना ही संख्या लेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं क्या यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें कि 2 के संख्या यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें फीमेल की संख्या ज्यादा है, फीमेल की संख्या क्या है ज्यादा है, यहाँ पे मेल की संख्या क्या हो जा रहा है मेरे भाई कम हो जा रहा है, तो शादी आप कराइएगा, अगर शादी कराइएगा तो क्या चाहते हैं हम लोग, दोनों के जोड़ी बराबर होना चाहिए, जितना लड़का रहेगा उतना ही लड़की लाइएगा कि ज्यादा कर दीजिएगा, तो इसको मैं क्या करता है मेरे भाई, अगर हम एक से लेकर 10 तक हम संख्या निकाल के देखे थे 5 की, तो हमारा कितना आया था 2 आया था, कितना आया था 2 आया था, उसमें नंबर ऑफ जीरो भी हमारा कितना 110 तक लाता है मेरा, पूर्ण फलों का जीरो कितना आता है, तो हमारा कितना 2 ही आया था, इसमें देखेंगे तो क्या करना है, इसको मैं केवल 5 की संख्या निकाल लेंगे, तो पिछले क्लास में आप पिछले क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा मेरे भाई, जो नहीं देखे होंगे कैसे हम लोग संख्या निकाल के देखते थे 103 की क्या करते थे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करते थे, तो क्या हमारा यहाँ पे निकल कर आता था क्या, यहाँ पर लगा रहे थे कितना 20 से लगा देते, कितना 20 से लगा देते, फिर यहाँ पे 5 से लगा रहे थे कितना आता था 4 आता था, यहाँ कैसे लगा 20 25 100 इसे क्या डिवाइड करने का 20 25 100 हुआ, यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे बोलिए कि सर की 100 तो पूरा बड़ी कट नहीं रहा था, काट दिए कैसे, तो इसके अगर देखेंगे मेरे भाई अगर 100 से कितना है 3 है, 100 से कितना है 1 2 3 ज्यादा है, तो इसमें तो 100 से अगर 3 ज्यादा है तो इसमें तो 5 दोबारा आप आ नहीं पाएगा, इसमें तो यहाँ पे 5 की संख्या कितना 20 ही रहेगा, अगर यहाँ पे रहता क्या 105 रहता तो कितना हो जाता 21 हो जाता, क्या होता मेरे भाई 21 हो जाता, यहाँ पे है कितना हमारा तो 103 है, तो क्या हम लोग लिखे यहाँ पे कितना लिख दिए हैं, तो बोलिए सर कितना यहाँ पे 20 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे अगर बोलेंगे तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आएगा मेरे भाई, एक लाइन में हमारा आंसर किया, इसको भी जोड़ के लिख देते हैं क्या 20 और 4 कितना हो गया, तो 24 हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, अगर कल के क्लास वाला किए होंगे, कल के क्लास नंबर ऑफ जीरो के आप किए होंगे तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा बनाने के लिए, एक क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है मेरे भाई, सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर दीजिएगा यहाँ तक सभी को लोग नोट कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन है मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो क्या पूछ रहा है मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसके गुणनफलों का नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करें, तो करना क्या है ना मेरे भाई, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे पूछेगा सर कि हम लोग देखते हैं क्या कि संख्या एक से लेकर कहाँ तक गया है 862 तक, कहाँ तक गया है मेरे भाई 862 तक, यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, सभी लोग कमेंट कीजिएगा यहाँ तक सभी को क्लियर है हमारा संख्या कहाँ तक गया है मेरे भाई 862 तक गया, इसमें देखते हैं क्या कि 2 के संख्या तो ज्यादा आया होगा, कहे कि हम 1 से 10 तक निकाल कर देखें तो 2 के संख्या उसमें भी ज्यादा 5 के अपेक्षा हमारा 2 के संख्या क्या आता है ज्यादा आ गया था, क्या आता है ज्यादा आता है मेरे भाई, तो यहाँ पे हमारा 1 से लेकर संख्या कहाँ तक गया 862 तक गया है, तो कुछ नहीं कीजिएगा इसमें, केवल क्या कहते हैं हम लोग पिछले वाला भी क्वेश्चन में क्या कहते थे, केवल क्या कहते थे 5 के नंबर निकाल देते थे, इसमें भी केवल क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें भी केवल क्या करेंगे हम लोग 5 के नंबर निकाल कर देख लेंगे, 5 की संख्या कितना है वही अनुसार से हमारा क्या बनेगा, तो बोलिएगा सर हमारा वही अनुसार से 0 निकल कर आएगा, तो यहाँ पे अगर 862 के हमारे 5 की संख्या देखेंगे मेरे भाई 862 यहाँ पे लिख दिए 5 से यहाँ पे 5 से अगर गुना कर रहे हैं कितना था मेरे भाई, यहाँ पे 1 हो गया, हमारा कितना निकल कर आएगा 172 यहाँ पे निकल कर आएगा, नहीं तो करके देख लीजिए कि आप लोग कैसे कीजिएगा, 5 में अगर 1 से लगाए तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया, तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना बच गया 3 बच गया, यहाँ पे 7 5 35 लगा दिए शेषफल कीजिए यहाँ पर कितना 12 हो गया, 12 में कितना 5 10 से लगा दिया हमारा 172 यहाँ पे, तीन अगर यहाँ से 5 पे लगाए तो कितना है मेरे भाई, यहाँ पे कितना हम लोग 5 से 15 लगा दिए यहाँ पर हमारा कितना 5 6 20 34 आ गया, यहाँ से लगाएंगे तो कितना 6 5 30 यहाँ से एक बार और लगाएंगे तो कितना है मेरे भाई 1 आ जाएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है कैसे किए से क्या किए हम लोग 5 से हम लोग 862 में डिवाइड करके देखें तो हम लोग लगभग के अनुसार कितना हमारा आ रहा है 72 आ रहा है,
अगर 5 से 34 से करेंगे तो लगभग हमारा कितना आएगा, तो बोलिए सर यहाँ पे अगर 5 से करेंगे 172 को डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा कितना आएगा, 34 आएगा। यहाँ पर हम लोग 5 से 34 में करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे हमारा आता है 6 आता है। यहाँ पर अगर करते हैं 5 में 6 से तो हमारा कितना एक आता है। तो केवल कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसी को जोड़ लेना है। क्या करना है हम लोग, इसी को जोड़ लेना है, यही हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो का संख्या आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो का संख्या निकल कर आ जाएगा। इसी को जोड़ लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 6 6 12 12 1 13 13 दूसरा स्टेप करेंगे 7 2 3 10 10 कितना हो गया, 11 हो गया। हाथ में बचा एक, एक कितना हो गया, 2 हो गया। 213 नंबर ऑफ जीरो की संख्या हमारा कितना है मेरे भाई, 213 से। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा। सिंटू कुमार, सिंटू कुमार सही लिख रहे हैं, 213 आंसर सही मेरे भाई, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। नोट कीजिएगा मेरे भाई, इसको भी संख्या को आप सभी नोट कीजिएगा। एक संख्या देते हैं आपको बनाने के लिए, यहाँ पे संख्या लेते हैं मेरे भाई, क्या कल के क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे। ऐसे अगर संख्या 2 के सीरीज में दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे। अगर हमारा संख्या 2 के सीरीज में दिया रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे भाई, 2 अगर देखेंगे तो किससे मिलकर बना है, तो बोलिएगा कि 2 किससे मिलकर बना है, तो 2×1 से मिलकर बना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक डॉट किसी को नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ला जी साहब बात, क्या 2×1 क्या होता है, हमारा 2 ही आता है। क्या आता है, 2×1 हमारा कहते हैं 2 आता है। यहाँ पर अगर देखेंगे मेरे भाई, 4 किससे मिलकर बना है, तो बोलिएगा कितना, 2×2 मिलकर बना है। क्या है मेरे भाई, 2×2 से मिलकर बना है। यहाँ पर हमारा 3 देखेंगे मेरे भाई, 3 देखेंगे तो किससे मिलकर बना है, 2×3 से मिलकर बना है। इसी अनुसार से अगर हम 88 देखेंगे तो किससे मिलकर बना है, 88 हम लोग कितना किससे मिलकर बना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है हमारा, 1×2 किससे मिलकर बना है, 2×1 से मिलकर बना है। यहाँ पर देखेंगे हमारा 4 किससे मिलकर बना है, तो 2×2 से मिलकर बना है। यहाँ पर अगर देखेंगे हमारा 6 किससे मिलकर बना है, तो 2×3 से मिलकर बना है। अगर हम लोग 8 के देखेंगे तो किससे मिलकर बना है, तो 2×4 से मिलकर बना है। तो आप यहाँ तक क्या, यहाँ तक कल के क्लास में हम लोग कल के क्लास में चर्चा इसके बारे में किए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे मेरे भाई, क्या करते थे, 2×44 हम लोग क्या करते थे, कोमा ले लेते थे। क्या हम लोग 2×44 हम लोग कोमा ले लेते थे। क्या करते थे मेरे भाई, 2×1 हम लोग क्या करते थे, 44 हम लोग कोमा ले लेते थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, 2×1 हम लोग 44 कोमा निकाल लेते तो क्या होता है, यहाँ पे बचता है क्या, 1 बच जाता है। यहाँ वाला 1 बच गया, यहाँ वाला कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ वाला बोलिया कितना बच गया, 3 बच गया। अगर इसी अनुसार से 4×2 होगा तो यहाँ वाला कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अगर संख्या बचेगा लास्ट में, यहाँ वाला कितना बच जाएगा मेरे भाई, 44 बच जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को डॉट नहीं लेना चाहिए, कहीं कल की क्लास में इसके बारे में भी चर्चा किए थे। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखते थे क्या कि हमारा 2 के संख्या तो 44 को पलाई है, यहाँ पे हमारा मेल के संख्या 44 को पलाई हो गया है। तो इसको अगर फीमेल के संख्या निकाल कर देखेंगे, हमारे अगर 5 के संख्या निकाल कर देखेंगे तो 5 के संख्या कम ही आएगा 1 से। इसको में भी ऐसा तो बात नहीं है कि 2 से अगर 1 से लेकर हमारा 44 तक के सभी जाते, इसमें भी 2 के संख्या आएगा, इसमें भी मेल के संख्या आएगा, 2 के संख्या इसमें भी आएगा। तो क्या करते थे हम लोग, इसको इसको हटा देते थे पहले, इसको हम क्या करते थे मेरे भाई, इसमें क्या करते थे, 5 की संख्या निकाल लेते थे। क्या करते थे हम लोग, 5 की संख्या को निकाल लेते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे करेंगे क्या, अगर 5 की संख्या हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 44 को क्या करते थे, 5 से डिवाइड करते थे। 44 को हम लोग क्या करते थे, 5 से डिवाइड करते थे। कितना आएगा यहाँ पे निकालेंगे तो 8×45 यहाँ करेंगे, लगभग हमारा कितना आएगा, 44। तो यहाँ पर अगर 45 रहता तो हम कितना था लगाते, 9 से लगाते, 9×45 हमारा होता। यहाँ पे अगर फिर से 5 से लगाए तो कितना आएगा भाई, 2 की संख्या हमारा निकल कर आएगा। अगर इसमें अगर देखेंगे तो केवल हमको क्या देख लेना है, 5 की संख्या निकाल कर देख लेना है। क्या देखना है मेरे भाई, केवल 5 की संख्या निकाल कर देख लेंगे। यहाँ से 2 की संख्या तो 44 है, अगर 5 की संख्या हमारा कितना है, तो बोलिए 5 की संख्या हमारा कितना है, 9 आ रहा है। तो 9 अगर 9 इसे भी मिलकर बना सकता है, कोई भी दूसरे कोई भी जिससे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि होना चाहिए मेरे भाई। अगर हमारा मेल की संख्या कितना है, हमारा मेल की संख्या 44 हुआ है, यही पलाई से मेल की संख्या ज्यादा है और फीमेल की संख्या कम रहेगा, तो उसमें आपको डिमांच नहीं करना है कि हमको अच्छा लड़की चाहिए तभी हम शादी करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको किसी को उठाकर क्या शादी कर लीजिए, किसी से उठाकर क्या करेंगे। अगर इसमें क्या होगा, फीमेल का मन रहेगा कि हमको नहीं,
यही वाला सन शादी करेंगे तो डॉक्टर पावर 44 से ही शादी करेंगे, मेल से शादी करेंगे, किससे भी कर सकता है, इसमें भी आया होगा मेल, उससे भी कर सकता है, जो उसको पसंद मेल फीमेल को पसंद आएगा उसी से शादी करेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाई? नौ कैसा है, किसी को डॉट है तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक ट्रिक इसका बताते हैं बताने के लिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक इसको बताते हैं, नोट कीजिएगा। अगर हमारा संख्या रहता है कितना मेरे भाई, 2 से 8 बजे से हुआ, 2 से 8 यहाँ पे गए, 2 से 8 बजे इसके ही बता रहे हैं, ए से स्टार्ट हुआ संख्या हमारा, यही नंबर से कहाँ तक गया, जेड तक संख्या गया, कहाँ तक गया इसमें, अगर जेड तक संख्या गया, इसमें हमारा पूछेगा नंबर ऑफ जीरो, ए से संख्या स्टार्ट हुआ गया कहाँ तक, जेड तक गया है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, इसको एक फॉर्मूला होता है क्या, जेड बटा ए करते हैं, अंतिम संख्या को किससे, अंतिम संख्या को फर्स्ट संख्या से भागा देते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, लास्ट टर्म को क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से भागा देते हैं, तो जेड बटा क्या हो गया हमारा, ए हो गया। यहाँ पे जो भी संख्या आएगा, जो भी संख्या हमारा एन आएगा, जैसे मान लीजिए हमारा एन संख्या आ गया, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, एन को हम लोग क्या करते हैं, उसमें इनको हम लोग पहुंच के एन के हम लोग पांच के संख्या निकाल कर देख लेते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, इस अनुसार से इसमें क्या, एन जो हमारा संख्या आएगा, एन आएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, पांच के संख्या निकाल कर देख लेते हैं, क्या करते हैं, इसमें हमारा पांच के संख्या कितना आ रहा है, वही अनुसार से हमारा क्या बनेगा, जीरो आएगा। अगर यहाँ पे अगर सीरीज पांच के रहेगा, अगर हमारा पांच के सीरीज में रहेगा, अगर पांच गुणे यहाँ पे पांच हो गया, ए बी का मान क्या, जैसे पांच हो गया, दस हो गया, पंद्रह हो गया, अगर इस अनुसार से रहेगा तो हमारा पांच के सीरीज में तो यार कन्फर्म है कि हमारा पांच की संख्या ज्यादा आएगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर हम लोग क्या दो के संख्या निकाल कर देखते हैं, इनके संख्या में क्या करते हैं, दो के संख्या निकाल कर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा दो इसमें कितना आएगा। अगर ये इस क्वेश्चन का हम लोग बता इस मेथड से बनाने के लिए सोचेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, लास्ट टर्म हमारा कितना है तो 88 है, कितना मेरे भाई 88 है, 88 को क्या करेंगे, 88 को भागा किससे देना है तो दो से देना है, किससे भागा देना है तो दो से देना है, तो यहाँ पे दो लिख लीजिए, भागा दीजिएगा तो हमारा कितना आएगा, एन के मान कितना आएगा 44 आएगा, एन के मान हमारा कितना आएगा तो बोलिएगा सर कितना हमारा 44 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 44 को हमको क्या करना है, यही मेथड जो हुआ 44 को हमारा, यही मेथड से हमको क्या करना है, कितना हमारा पांच की संख्या इसको हमें निकाल लेना है, क्या करना है मेरे भाई, पांच की संख्या निकाल लेंगे, आपने अगर हम पांच की संख्या निकाल लें पहले तो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना आता है मेरे भाई, 9 होता है, नंबर ऑफ जीरो कितना आता है तो 9 आता है। सभी को क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला बहुत ही फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ऐसे अगर सीरीज हमारा चल कर जाएगा कहाँ तक, डेढ़ तक, अगर दो के सीरीज में रहेगा, तीन के सीरीज में रहेगा, दस के सीरीज में रहेगा, किसी भी सीरीज में रहेगा तो क्या हमारा यही फॉर्मूला रहेगा। एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, अगर दस के सीरीज में संख्या रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे, ऐसे में हमारा संख्या हो गया क्या, जो हम फॉर्मूला क्या बताए थे, से लेकर जेड तक रहेगा तो क्या अंतिम संख्या को क्या करते थे, प्रथम संख्या को क्या करते थे, भागा देते थे, और जो भी संख्या हमारा एन का मान निकल कर आता था उसमें हम लोग क्या करते थे, पांच के मान निकल कर देख लेते थे, वही अनुसार इसमें भी करना था भाई, पांच की संख्या इसमें कितना आएगा सही हमको खाली निकाल लेना है, वो हमारा क्या है वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 में हमारा पांच की संख्या निकालने के कितना निकालना है, 10 अगर देखिएगा पांच की संख्या निकालने के लिए तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना होगा मेरे भाई, 2 आंसर आ गया इसका, कितना आंसर आ गया, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। यहाँ सभी नोट की जगह वाला फ्री नोट की जगह हम लोग देने बनाने के लिए, सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक,
एक संख्या देते हैं आप लोग के बनाने के लिए, क्या ये संख्या का मतलब थोड़ा नहीं पता लग रहा है, पता क्या तक दिया है, इसमें पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ ये संख्या कहाँ तक गया, निन्यानवे तक गया, इसमें पूछ क्या रहा है हमारा नंबर ऑफ जीरो। सभी लोग इसका आंसर कौन कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। या ये संख्या ऐसे भी दे सकता है मेरे भाई, यहाँ पर संख्या आपको क्या दे सकता है, निन्यानवे के फैक्टोरियल और नंबर ऑफ जीरो पर ज्ञात करने के लिए बोल देगा, या ऐसे भी दे सकता है फैक्टोरियल कितना है 99 है और नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए दे देगा। अगर इसको देखेंगे क्या होता है, फैक्टोरियल के मतलब हम क्या समझते हैं, अगर फैक्टोरियल 5 रहेगा, यहां पे अगर दिया रहता हमारा क्या फैक्टोरियल 5 रहता, तो इसके क्या होता है 1 से लेकर वहां तक गुणा करते हैं मेरे भाई, 1 से लेकर हम लोग गुणा करते हैं क्या, फैक्टोरियल के मतलब हम लोग के क्या होता है मेरे भाई, अगर हमारा फैक्टोरियल 5 में दिया रहेगा तो समझ लो क्या करते हैं, 1 से लेकर सभी में 5 तक गुणा करते हैं, वही अनुसार से यहाँ पे वही दिया हुआ है मेरे भाई, 99 हमारा क्या है, 99 फैक्टोरियल हमारा दिया, फैक्टोरियल कितना है 99 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहा है 1 से लेकर कहाँ तक 99 तक गुणा करने के लिए बोल रहा है, और इसमें पूछ रहा है क्या हमारा नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करते थे, पहला वाला ट्रिक हम लोग क्या करते थे, या इसमें देखेंगे क्या 99 में अगर दो के संख्या तो ज्यादा आया होगा, दो के संख्या हमारा क्या होगा ज्यादा ही आया होगा, इसमें देखेंगे हम लोग क्या था पांच के संख्या निकाल कर देख लेते हैं, क्या देखते हैं मेरे भाई पांच के संख्या, तो 99 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं 25 95 होगा, यहाँ पे कितना से लाएगा 19 से लाएगा, यहाँ पे अगर रहता है यहाँ पे अगर एक संख्या और रहता है 100 रहता है तो हमारा क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग 20 से लगाते हैं, क्या किससे लगाते हैं मेरे भाई 20 से लगाते हैं, यहाँ पे अगर फिर हम लोग 5 से लगाते कितना आएगा 3 आएगा, कितना हमारा आंसर आ गया मेरे भाई 22 आंसर आ गया, एक लाइन में हमारा आंसर निकल कर क्या आ गया 22 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कमेंट कीजिएगा यहाँ तक सभी को क्लियर आंसर सभी को दिखा जाएगा 22, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, सभी लोग नोट कर लीजिए होंगे। ये संख्या हमारा दिया रहेगा कहां तक मेरा भाई 50 तक, जिसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरो संख्या ज्ञात करें, क्या था मेरा भाई 20 से लेकर कहां तक रहेगा हमारा संख्या 50 तक दिया रहेगा, इसमें हमसे क्या पूछेगा नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें, तो इसमें क्या करेंगे ना मेरे भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो नहीं तो किसी का सीरीज में चल रहा है संख्या, किसी का सीरीज में तो नहीं चल रहा है, 22 से स्टार्ट हुआ है संख्या, किससे स्टार्ट हुआ है 20 से स्टार्ट हुआ, संख्या हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है कहाँ तक 50 तक जा रहा है, तो इसमें आप लोग अगर ऐसे भी करके देखेंगे तो हमारा दो की संख्या निकाल कर देखेंगे तो दो की संख्या हमारा निकल कर इसी में ज्यादा आएगा, तो हम लोग इसमें निकालेंगे क्या, हम लोग निकाल कर देखेंगे हमारा पांच की संख्या निकल कर देखेंगे इसमें पांच की संख्या कितने बार आ रहा है, इसमें पांच की संख्या हमारा कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वो वाला मेथड फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा कि केवल यहीं से 50 से हम डिवाइड कर दिए, 50 को 5 से डिवाइड कर दिए तो हमारा जो भी संख्या आएगा हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 1 से रहता 50 तक तब होता मेरे भाई, वो फॉर्मूला हमारा लगता कब 1 से लेकर 50 तक रहता तब रहता, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है शायद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे भाई 20 से हमारा संख्या कट होकर कहाँ तक गया 50 तक गया, इसमें अगर देखेंगे तो 20 में हमारा 5 की संख्या कितना बार आया हुआ, तो 20 में बोलेंगे कि 5 की संख्या हमारा कितना बार आया हुआ, तो 5 × 20 होता है, यहाँ पे 5 की संख्या आया हुआ 1 बार आया हुआ, इसको आपको गिन के देखना पड़ेगा मेरे भाई, इसका कोई मेथड नहीं है, कोई मेथड से आप नहीं बना सकते हैं, कोई मेथड नहीं, पहले आपको गिनना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 20 आएगा तो हमारा 20 की संख्या कितना, जैसे 20 की संख्या हम लोग क्या करते हैं 20 हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे हम लोग 20 लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई 5 × 4 होता है, 20 हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 5 × 4, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा 5 की संख्या निकल कर आ रहा है कितना, तो 1 निकल कर रहा है, यहाँ से हमारा 5 की संख्या कितना आ रहा है 1 आ रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो 21 में 5 की संख्या नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, 30 में नहीं आएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा 1 संख्या होगा क्या
25 आया होगा। 25 में अगर 5 की संख्या हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, तो दो रही एक सर 25 किससे मिलकर बनता है, 5 गुणे 5 से हमारा मिलकर बनता है क्या 25 मिलकर बनता है, इसमें हमारा संख्या कितना आएगा, अलग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें हमारा संख्या एक आया, 5 में कितना 25 में कितना आ गया दो संख्या, 5 की संख्या कितना आएगा दो आ गया, यहाँ में अगर देखेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 25 के बाद हमारा संख्या आएगा किस में 30 में आएगा, 30 में भी हमारा संख्या कितना आएगा 6 बजे दिन होता है उसमें भी हमारा संख्या कितना 5 आएगा तो एक आएगा, कितना आएगा मेरे भाई एक आएगा। इन आगे हम लोग देखेंगे क्या 35 में आएगा, हमारे 5 की संख्या किस में आएगा 35 में आएगा, तो 35 किससे मिलकर बनता है 7 5 35, उसमें भी देखेंगे 5 की संख्या कितना आता है हमारा एक ही आता है, आएगा कितने में 40 में आएगा, कितने में आएगा 40 में आएगा भाई, 40 में आएगा कितना आएगा 40 कितने में बनता है 8 बजे 40 हो जाता है, उसमें भी 5 की संख्या कितना आता है हमारा एक ही आता है, यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे भाई इन आता है किसमें 45 में आता है, 45 में हमारा पहुंच जाता है, तो वहाँ पे देखेंगे तो 5 की संख्या कितना था 9 5 45, 5 की संख्या हमारा कितना था एक ही आता है। फिर हमारा आगे संख्या क्या 50, 50 में हम लोग देखेंगे कितना आएगा 5, तो 50 किससे मिलकर बना है 25 गुने 2 क्या होता है 50 होता है, 25 गुने 2 से मिलकर बना था 25 में, तो हम देखेंगे हमारा कितना संख्या आता है 5 की संख्या बोलेगा सर 25 में हमारा कितना निकल कर आता है, तो 2 निकल कर आता है, क्या आता है मेरे भाई 2 निकल कर आता है। यहाँ पर 25 को हम ऐसे भी 50 को ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, 5 गुने 2 के फैक्टर में इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, 5 25 25 2 कितना हो जाता है 50 हो जाता है, 2 की संख्या हमारा कितना निकल कर आ रहा है, तो बोलिए सर 2 निकल कर आ रहा है, 2 की संख्या 5 की संख्या हमारा कितना 2 निकल कर आ रहा है, अगर 2 की संख्या देखेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 की संख्या को हमको कोल्ड नहीं करना है, 2 की संख्या बहुत सारा आया होगा 20 में आया होगा 22 में आया होगा 24 में आया होगा, इसी अनुसार से बहुत 2 की संख्या ज्यादा आया होगा, हमको क्या हम लोग देखते हैं कि 5 और 2 से हमारा क्या बनता है 0 बनता है, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे मेरे भाई कितना आएगा 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 8 9, नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना देगा मेरे भाई 9 आ जाएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है तो नोट कीजिएगा। एक संख्या लेते हैं मेरे भाई कितना, एक वहां तक किया संख्या में क्या पूछेगा मेरे भाई, एक संख्या क्या है 1 से लेकर कहां तक गया है 999 तक, और एक संख्या हमारा कितना दिया हुआ है 128 दिया हुआ है, कितना मेरे भाई 128 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं इसमें यहां पे अगर आप देखिएगा तो क्या होता है 1 से लेकर हमारा संख्या 999 एक ऐसी संख्या मेरे भाई ऑड नंबर का सीरीज है, यहां से लेकर हमारा क्या है ऑड नंबर का सीरीज है, ये सीरीज क्या है विषम संख्या का सीरीज है, विषम संख्या का सीरीज है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं देखते हैं अगले क्लास में हम चर्चा क्या कहते हैं कि अगर विषम संख्या में अगर क्या होता है विषम संख्या के गुणनफल में हमारा क्या आता है जीरो की संख्या शून्यों की संख्या जीरो आता है, हमारा क्या आता है शून्यों की संख्या क्या आता है, यहां तक हमारा देखेंगे 1 से लेकर 999 तक जीरो की संख्या कितना आएगा जीरो आएगा, इसमें केवल देखेंगे हमारा एक आ रहा है संख्या क्या 128, यहां तो आप अपडेट गलत कहां पर करते हैं मेरे भाई, यहां पे देखते हैं क्या 1 से लेकर 999 तक दिया हुआ है तो इसमें तो हमारा क्या आएगा यहां पे तो हमारा जीरो आंसर में यहाँ पे दिया रहेगा ऑप्शन में क्या जीरो दिया रहेगा, तो हमारे ऑड संख्या को गुणा कर दे तो हमारा क्या आता है जीरो आता है, यहाँ पास जीरो मार करा देते हैं आपको गलती हो जाता है, 128 अगर देखेंगे तो कितना आता है मेरे भाई 2 के पावर 7 होता है, यहाँ पर आप 2 के पावर 7 आता है, अगर 2 को इतना बार गुना कीजिएगा तो हमारा कितना 128 आता है, गुना करके भी देख सकते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 64 64 2 128 64 2 हमारा कितना होता है 128 होता है, 2 के पावर कितना है 7 है, तो हमें हमको देखना है क्या इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 5 अगर ऑड संख्या में अगर देखते हैं हमारा ऑड नंबर में देखते हैं तो 5 की संख्या ज्यादा आएगा,
अगर एक से लेकर 999 तक है तो यहाँ पे एक 5 मिल जा रहा है, इसके आगे हमारा मिलेगा किसमें, और इस और में संख्या ज्यादा इसमें आएगा क्या 15 में फिर मिल जाएगा, इसी अनुसार से हमारा इसमें 5 की संख्या ज्यादा आएगा। तो क्या कहते हैं 2 के पावर 7 से कम होगी, क्या इसका आंसर 2 के पावर 7 है, 5 की संख्या कितना ज्यादा आएगा, तो केवल 2 के पावर 7 हमारा क्या हो जाएगा, यही 2 की संख्या जो 7 बार हो गया वही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ आंसर एक लाइन में आंसर हो गया, सभी लोग नोट कीजिएगा, यहाँ तक सभी लोग नोट कीजिएगा। बात का क्लास यही एंड होता है मेरे भाई, बाकी प्रश्नों को कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जाते जाते बहुत ही खतरनाक लाइन आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल हम मंजिल लिख दूंगा। क्या यहाँ पे क्या समझ में आता है मेरे भाई, कितना भी मुश्किल भी आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंजिल को आप लोग नहीं कभी हमारा मंजिल को जो हमारा ड्रीम है क्या हमारा मंजिल कभी नहीं छोड़ पाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कितना भी हमारा मुश्किल आए तो हम लोग क्या मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। आज का क्लास यही होता है, जय हिंद साथियों।